वालेकुम। तो कैसे आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे हैं, खुदा के फजल से हम लोग भी अच्छे हैं। तो गाइस देखो, मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह उठे थे, सहरी करे, सहरी करके नमाज पढ़ के सो गए। फिर अभी उठे, अभी देखो पकाने का दिन भर की मीटिंग आप लोग को मैं दिखाती हूँ। आप में क्या बनाते थे हमें आप लोग को दिखाती हूँ, मिलते हैं बाद में। तो गाइस देखो, मैं आपको भोजन में अपनाई के लिए क्या बना रही हूँ। फिर चिकन मसाला बना रही है, देखो सबका मसाला बना रही। इसकी रेसिपी आप लोग को डाली मैंने। ये देखो ये चिकन मसाला बन रहा है मेरा, चिकन का मसाला। और आज मैं बना रही हूँ पानी पूरी। तो पानी पूरी के लिए लगड़ा चढ़ाई हूँ, इसके अंदर लगड़ा पेटीज और पानी पूरी दोनों बनेगा। तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो भाई देखो, मैं बना रही हूँ मेथी की भाजी। चिकन बन गया मेरा चिकन मसाला। अभी मैं बना रही हूँ मेथी की भाजी। आधा लाल करी, मिर्चा मटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भून रही हूँ। भूनने के बाद में इसमें भाजी डाली हूँ। आपको इसकी रेसिपी आपको दिखा चुकी हूँ, कमेंट में आप मेरी देख लेना। देखो मैं डाल रही मेथी की भाजी, इसको धो के अच्छे से छन्नी में डाल के रखी हूँ। देखिए धो के चुन के इसको पानी यानी कि छन्नी में डाल के हम लोग रखे। अभी बन गई हमारी मेथी की भाजी, फ्रेश भाजी एकदम हरी हरी। मार्केट गए तो लेके आई थी मैं। चिकन बन के तैयार हो गया है, देखिए। ये देखो मेरा चिकन मसाला बनके तैयार हो गया अच्छे से मस्ते में। ये देखो आप देख सकते हैं। अभी बनाऊंगी मैं आलू पेटीज। आलू पेटीज का देखो, मैं चिकन उबाल के इसको तोड़ के रखी, ये आलू उबाल के रखी हूँ। और ये गोभी, पत्ता गोभी है, ये कांदा है, ये गाजर है। और क्या क्या डालने का आप लोग को मैं दिखाती हूँ इसके लिए। देखो मैं पानी पूरी आज बनाने वाली हूँ ना, सही रोजा खोलने के लिए। तो देखो मैंने पहले खट्टी चटनी बना चुकी हूँ। ये देखो इसमें मैंने पुदीना, कोथमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली और तुम्हारा जीरा, ये हरी मिर्ची, ये सब मिला के मैंने इसको पीस ली। पीस के इसकी चटनी मैंने बना डाली। अभी मैं बनाऊंगी तेज पानी। तो तेज पानी के लिए ये दो चम्मच में ये चटनी लेती हूँ हरी मिर्ची की, क्योंकि दोनों लगेगा। अभी ये तेज पानी के लिए थोड़ा ऑलरेडी मैंने पानी आधा गिलास पानी डाल दिया इसमें। ज़्यादा नहीं बनाने का, क्योंकि अभी रोजी के लिए हम दो तीन जने, क्योंकि मैं थोड़ा ही बना रही हूँ इसीलिए। ये देखो मुझे चटनी के अंदर मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया। अब इसके अंदर डालूँगी मैं पानी पूरी का मसाला। ऐसा मैं घर में बनाती हूँ मसाला, अभी रमज़ान की वजह से मैंने बना ही नहीं, तो मैं ऑलरेडी खरीद के ला के बना रही हूँ। ये देखो खट्टी चटनी से तैयार कर दी। अभी काला नमक और जीरा भी पीस दी मैंने, सिर्फ काला नमक के बजाय ये डाल रही हूँ मैं पानी पूरी का मसाला, इसमें भी ऑलरेडी सब रहता है। तो ये देखो मैं इसमें आधा डाल दूँगी। अभी रमज़ान की वजह से मैं बनाई, तो ये भी मसाला मैं घर में ही बनाती हूँ, हमारे पानी पूरी का धंधा रहता है इसमें। तो अभी रमज़ान के लिए एक महीना भर के लिए क्या बना के रखने का, तो मैं नहीं बनाई, तो अभी दुकान से ही मंगा ली। तो देखो ये मेरा पानी पूरी का खट्टा मसाला, ये देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। सब है चटनी के अंदर, चटनी मिलाई और पानी का मसाला, पानी पूरी का मसाला मिलाई, आधा गिलास पानी में। देखो मेरा तेज पानी तैयार हो गया एक नंबर। ये देखो आप लोग को जैसे इसकी दिखाई, तो आज हम लोग पानी पूरी खाने वाले, तो मैं आप लोग को फिर दिखाती हूँ। तो गाइस देखो मैं आलू चिकन पेटी बना रही हूँ। तो आलू देखो उबाल के इसको अच्छे से मैंने मल ली, उसमें कोथमीर पुदीना डाल दी। अभी मैं डालूँगी चिकन, चिकन उबाल के तोड़ के रखे थे, ये चिकन डाल दी। देखो मैं इसमें ये चिकन है, ये गाजर, गाजर है, पत्ता गोभी है, कांदा है, फिर मैं मिला दूँगी इसमें। देखो मैं इसमें मसाले डालूँगी अच्छे से सब। इसमें मैं मसाला डालूँगी, तो डालूँगी पहला चीनी, चीनी जीरा मिर्ची डालूँगी, जीरा पाउडर, सौंफ, धनिया पाउडर, सब मैं मसाला में पीस के रखी थी ये मसाला। सफेद नमक,
ये अपने शौक के बिना ये नमक हल्दी पाउडर ये नमक डाला, ये अपने एकदम आधा चम्मच डाली और सब मिला के हाथों की मदद से सब अपने अच्छे से सब मिलाएंगे। फिर एक अंडा लेके ये तो वो ये रख ले लिए ब्रेड का कस्टर्ड, हाँ ब्रेड का पाउडर है, ब्रेड का पाउडर अभी मैं बना रही बनाऊंगी तो आप लोग दिखाती हूँ। तो गाइस देखो मेरा आलू पेड़ी चिकन बन गया है, देखो सब उसमें तो उससे केक इसका भूसा लगा था, केक का ब्रेड का चूरा लगाई है और अंडे वंडे लगा के सब तैयार करिए फ्राई करने के लिए आप लोग दिखाती हूँ। तो गाइस देखो मेरी चिकन पेटी पेटीज बन रही है, देखो तला जा रहा है इतने अच्छे से सब बन रही है माशाल्लाह। देखो देखो मेरी चिकन पेटी चल रही है, एक नंबर बना रहे लग रहा पेटीज हो गई। अभी हमारी चिकन पेटीज अभी जूस बनाना बाकी है, फालूदा बनाएंगे आज, फालूदा बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो मिलते हैं हमारी, तो गाइस देखो हमारी फ्रूट में फ्रूट कट रहा है अभी, देखो इतने अच्छे से केला संतरा पपैया, पपैया इतना मीठा मीठा है मस्त से पपैया आया है। देखो गाइस फ्रूट हमारा फ्रूट कट रहा है, देखिए है अभी आप लोगों को मैं जूस दिखाती हूँ। यह है हमारा खरबूजे का जूस, ये देखो हाँ ये बनाए हैं, ये फालूदा बनाए हैं, ये खरबूजे का जूस बनाए हैं गाइस। खरबूजे का और फालूदा बन रहा है, आप लोग को और दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाऊँगी। तो गाइस देखो ये मैं टैंक बनाई हूँ फालूदे का सरबत और ये खरबूजे का सरबत। तो ये हमारे कांदे भजिए बन गए, तैयार हो गए, ये देखिए कांदा भजिया मेरा बन गया है माशाल्लाह, मेरे भाऊ ने बना दी मस्त कांदा भजिया जूस बन गए हैं सर लाइन से। अभी फ्रूट कटिंग हो रहा है हमारा, तो अभी रोज़ा खोलने की तैयारी हो गई है, अभी मेरे शवर आए नहीं, अभी आते हैं आते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ, मिलती है रोज़ा खोलने के बाद। तो गाइस अभी रोजे की तैयारी हो गई है, 10 मिनट बाकी है। देखिए यहाँ पे हम लोग सामी कबाब भजिया वगैरह सारा, एक बार हम लोग पानीपुरी भी लाए, पानीपुरी फालूदा हर एक नियामत हम लोग। तो फिर अभी दुआ का टाइम हो गया, फिर आप लोग से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, भाइयों देखिए अभी हम लोग ने सब लोग ने रोज़ा खोले, इसके बाद भी चाय भाई पी रहे हैं। तो भाई जी आज हो गया 16 रमजान, सब लोग को 16 रमजान मुबारक हो, तभी चाय पिए रोज़ा खोले, चाय पीने बढ़ गए इतने थक गए एकदम, ऐसा लगा रोज़ा खोले नींद नहीं आ रही, अभी ईशा की नमाज से चल रही है, थकाओ हो जाती है अभी, देखो फिर देखिए नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ने का तरावे शुरू हो जाएगी, पड़ेगी आदमी तरावे जाते हैं। तो आज की हमारे दिन भर की रूटीन कैसी लगी आप लोग को, हमारा शरबत बनाए सब कुछ बनाए। तो भाई हमारा ऋषि आप लोग कैसा लग रहा है, एक से एक आइटम बना रहे हैं, देखे ना आप लोग इंशाल्लाह और बनाएंगे। क्या रोजा लगा रात दौड़ हो जाए जाती हूँ थक जाती ना तो बना नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं घर में रहूँ तो एक से एक बनाता हूँ। रमजान में भैया देखो भूख प्यास की शिद्दत है, भूख कितनी आज तो बहुत प्यास लग गई, गर्मी ज्यादा हो गई ना, गर्मी से घड़ी घड़ी फूल जा रहा है पीना तो एकदम, लेकिन अल्लाह करम से रोजा जा रहा अच्छा जा रहा है। देखो 16 रमजान है, मन भर 16 रमजान, अल्लाह को अल्लाह की रहमत है भाई, बरकत है अल्लाह की रहमत है। देखो अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है कि इतना दौड़ भाग के भी हमारी हिम्मत बनी रहता है, कितनी मेहनत कर लो इतनी मेहनत, रोजा इंसान रखता ही है, रोजा रखता ही है, यही खूबी है मुसलमानों की, जान दे देंगे लेकिन रोजा नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, ये बात है, यही तो फिर इंसान की फितरत है, अच्छी नेक फितरत होना चाहिए इंसानों के अंदर। मुबारक महीना है, कौन मुसलमान उठाता है जितना, मुसलमान को ही मालूम है कितनी तकलीफ होती है भाई, लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए कुर्बान है,
हर चीज जितना तो भाइयों ज्यादा नमाज पढ़ो, कलमा की तिलावत करो, ये सब करो अल्लाह, आप लोगों को भी नेकी मिलेंगी उसके बदले। रमजान के महीने बहुत नेकी मिलती है, एक एक नेकी कितना स्वभाव है, तो इसीलिए कसरत से नेकी करो, कसरत से नमाजें पढ़ो, रोजो रखो, अल्लाह इंशाल्लाह उसका फल आप लोगों को जरूर देगा। अल्लाह जितना है नेकी रमजान में कमाने का कमा लो, फिर और क्या है, अब अगले साल देखो कौन किसने देखा है जीते या मरते, जब तक जिंदगी है तो खुशी से जी लो। हाँ ये बात सही, हिम्मत से जी लो और खुशी से जी लो, सही बात, जिंदगी का यही तो है सब, जिंदगी इसी का नाम है। अब अगले साल जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अगले साल जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे, नहीं तो अल्लाह के हाथ में, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह दुआ में याद रखो।